रहेंगे, वीकेंड बस का हिस्सा रहेंगे। और हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर समद मुस्कुराते हुए भाई ब्लैक सूटिंग में मौजूद हैं। आपने मेरी शूटिंग जरूर करनी होती है ना, ब्लैक मैंने पहना है तो आपने ब्लैक पहन लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। हैप्पी न्यू ईयर। आपको मुबारक हो और सब व्यूअर्स को मुबारक हो नया साल। और माशाल्लाह इस चंद अरसे में इतनी 2 साल, एक इस्लामिक साल और एक जो है दूसरा हमारे साल जो है ये आए, और बहुत मज़ा आया और बहुत ही इंजॉय किया। लेकिन हालात की वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हुई थी। हाँ। तो वो बहुत ही हो जाता है ये। असल में बात ये है कि देखें, एक साल गुजर गया, कुछ हालात ख़राब रहे, कुछ पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमिकल क्राइसिस रही, कुछ और तासुबी झगड़े वगैरह, बम ब्लास्टिंग, एवरीथिंग। लेकिन ये नए साल की नई रोशनी, नई किरण के साथ जब एक नया साल शुरू हुआ है तो उम्मीद करते हैं कि सब कुछ नहीं होगा, आइंदा आने वाला साल अल्लाह करे हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत खुश आएंगे। बिल्कुल, जिल सेंसेस के लिहाज से हमें हमेशा चाहे जैसे भी हालात हो, हमने उसमें पॉजिटिव रोल अदा करने और पॉजिटिव सोचने और पॉजिटिव काम करना है, और हमारे मोमेंट्स भी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो उसी की वजह से पॉजिटिविटी इन्वायरमेंट में आते हैं और हमारे अंदर आ जाते हैं, सुकून आते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा इंतहाई ज़्यादा हम मकसद नेगेटिविटीज़ को की जिक्र करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको याद करते हैं, बहुत ज़्यादा उन पर फोकस होती है, तो वो फिर और बढ़ जाते हैं। यानी नफ्सियात के हवाले से मैं बात करूँ, माइंड के हवाले से बात करूँ, इज कॉन्शियस जो है हमारे वो चीज़ों को जो 6 सेंस को यानी जो 5 सेंस पे एक्सेप्ट करते हैं, उस चीज़ों को जज्ब करते हैं, वो तहतुल शऊर को देते हैं, और लाशऊर जो है वो उसके अंदर ही रहते हैं। जितने वाकयात हैं, जितने चीज़ें, कुछ लोगों की जो जितने भी वाकयात होते हैं वह हमेशा सतही शऊर पे आते हैं, तो उस वजह से जो है ना वो लोग, उन लोगों की जो लाइफ है वो हमेशा परेशान रहते हैं और बीमार रहते हैं। यानी नेगेटिविटी ऐसे लोग होती है जो कि पॉजिटिव, जितने पॉजिटिव वाकयात को देखे होती है वो जाते हैं, वो उन्हीं के सतही शऊर पे आते हैं, यानी अनकॉन्शियस पे, कॉन्शियस पे आ जाते हैं, तो उस वजह से उनकी ज़िंदगी में कामयाबियाँ होती रहती है। आप देख रहे होते हैं कि कामयाब लोगों से, सेहतमंद लोगों से जब आप मिलते हैं, उनमें एक अलग किस्म के उनके एक एनर्जी होती है, उनके बातें अलग किस्म के होते हैं, उनके मोमेंट्स अलग किस्म के होते हैं, बहुत ही फ्रेश, लाइवली, पॉजिटिव, जैसे कि आप। थैंक यू वेरी मच। आप जैसे मैं पता नहीं हूँ कि नहीं, लेकिन माशाल्लाह आप इतने फ्रेश होती है और लोगों को आपके सामने आ जाते हैं, उनको सबकी साइकी को समझते हैं आप, आपके लाशऊर से एक पॉजिटिव वेव, पॉजिटिव बातें निकलते हैं, अदर्स पे असर करते हैं, और दूसरे जो मेहमान आपके साथ बैठे होते हैं तो उनमें एक, उनमें भी एक एनर्जी आ जाते हैं। बस ये एक्शन रिएक्शन वाली बात होती है ना, अगर मैं कुछ पॉजिटिव हूँ, अगर आप थोड़ा सा डिप्रेस हूँ तब भी मज़ा नहीं आता, आप पॉजिटिव हूँ, मैं थोड़ा सा अंडर टोन हूँ तब भी मज़ा नहीं आता। तो हमारी ये कोशिश होती है कि इस प्लेटफॉर्म पे, सेट पे, शो में हम सारी आपको पॉजिटिव वाइब्स दें। बहुत अच्छा, माशाल्लाह बड़े अच्छे हमारे वीकेंड बस जो है बड़े ज़बरदस्त चल रहे हैं और बड़े अच्छे एक्सपर्ट्स हैं हमारे यहाँ। जी हाँ बिल्कुल, लास्ट ईयर हमने स्टार्ट किया था, माशाल्लाह तकरीबन 1 साल होने वाला है और बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिला। थ्रू आउट हम कुछ चेंजेस लेके आते रहे, डिफरेंट आपको प्रोग्रामिंग दिखाते रहे, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आपके साथ शेयर किए, और इतने अच्छे गेस्ट हम अभी कराए। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। आज आपकी जो गेस्ट थी अब्बा जी, माशाल्लाह बड़ी अच्छे एक्सपर्ट हैं, और इस तरह के जो है न मोहम्मद अली तबस्सुम साहब हैं, और बाकी जितने भी एक्सपर्ट्स आप बुलाते हैं, साहब हैं। बुलाते हैं, आप खुद ही इतने अच्छे हैं, हमारी टीम इतने अच्छे हैं। अच्छा, नए साल के लिए क्या प्लानिंग है? मैं आज सबसे ये सवाल करूंगी थोड़ा सा कि जो साल गुजर गया, कुछ प्लानिंग्स थी फुलफिल हुई होंगी अल्लाह के हुक्म से, नए साल के लिए कुछ क्या प्लानिंग? नए साल के लिए शो के हवाले से, शो जील साइंसेस जी जी, शो के हवाले से तो मैं चाहता हूँ कि बहुत सारी तब्दीलियाँ इंशाल्लाह इसमें आनी चाहिए, जिस तरह आपने जिक्र किया था कि कोई कुकिंग शो, कुछ और चीज़ें भी होनी चाहिए साथ साथ। तो मैं चाहता हूँ कि तब्दीलियाँ बहुत ज़रूरी होती है, हमारी चीज़ें रोज़ बरोज़ चेंज होते रहते हैं ना। ये देखिए पिछले दफ़ा एक सेट हमारा जो है ना वो चेंज हो गया था, दूसरा न्यू ईयर है ना, हमने थोड़ा सा चेंज किया। बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, और चेंजेस तो आनी चाहिए। आप में कितना चेंज आए,
आप खुद अच्छा वैसे इंसान की सोच को में नहीं चेंज आना चाहिए इंसान के इर्द गिर्द के माहौल पे आप जरूर चेंजेस लेकर आए, सोच में चेंज आने चाहिए लेकिन पॉजिटिव हाँ बिल्कुल नेगेटिव नहीं हाँ, इंसान नहीं इंसान बदलना नहीं चाहिए, इंसान का रंग वही रहना चाहिए, इंसान का रूप नहीं बदलना चाहिए, रूप बदल सकता है फिर भी अकॉर्डिंगली, लेकिन अपेरेंटली अंदर के हालात तो वही होने चाहिए। रिसर्च साइंस के लिहाज से, माइंड साइंस के लिहाज से, अब जब हमने बात की ना रूप की, तो रूप के लिहाज से हम बात करेंगे रूप रंग की, और रूप रंग की जब बात आएगी तो आएगी फिटनेस की बात। फिटनेस की बात, क्या बात है, बिल्कुल सही, फिटनेस पे बात करते हैं। अच्छा थोड़ा सा हम फिटनेस पे इसलिए बात करेंगे क्योंकि मैं अभी ईमेल्स ही चेक कर रही थी, ज़ुबैदा आप यहाँ बैठी हुई थी, तो कुछ ईमेल्स थी, और नए साल में को पता है ना नई एनर्जी लोग चाहते हैं, नया लुक चाहते हैं, आजकल तो वो सिक्स पैक्स और बड़ा कुछ लड़कों में भी इतना अपने आप को ग्रूम करने का एक ट्रेंड आ गया है, और बहुत अच्छी ये बात है। तो थोड़ा सा समदा हीलिंग एनर्जी के जरिए ये बाइसेप्स एब्स वगैरह कैसे बन सकते हैं, कंट्रोल हो सकते हैं, थोड़ा सा बताएंगे। समदा हीलिंग एनर्जी के जरिए वेट को थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सकता है, कम्प्लीटली नहीं होती है, तो क्योंकि समुदाय लिंग एनर्जी आपको देते हैं एक जो मुर्गिन गजाएँ हैं या कोई आपकी जो लाइफ स्टाइल है ना उसको चेंज करते हैं, आपके बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज आता है, कंट्रोल पाते हैं आप माइंड पे, जब आपको कंट्रोल होता है तो आप भूख पे भी कंट्रोल, या मसलन आप ऐसी चीज़ों को मुर्गिन गजाएँ जो आप खाते हैं या कुछ उसको कंट्रोल कर सकता है, इतना हेल्प कर सकता है वो चीज़ें। कुछ ऐसा होता है कि हमारे लेवल 8 में है, समुदाय लेवल 8 में, कि आपकी जो सेल्स जो हमारे जो इंसानी सेल्स है जो इंसानी खलिए हैं उनमें कोई एक्टिवेशन करते हैं, डीएनए एक्टिवेशन जैसा कि होती है, तो हमारा एक कोर्स है डीएनए एक्टिवेशन जो कि समुदाय हीलिंग एनर्जी में होती है, वो ऑटोमेटिकली आपके वज़न को कुछ कम कर देते हैं, और ये मेरे जो स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको जब ये कर हम थोड़ा क्रीम या कोई चीज़ को एनर्जाइज करके पेट पे लगाते हैं तो वो यानी रिस हैरानगी की बात ही है कि चंद मिनट में यानी 40 मिनट के बाद हम नाप लेते हैं और 1 इंच जो है कमर में कमी आ जाते हैं, तो ये फॉर टाइम बीइंग 2 इंच रहता है नहीं, हमेशा के लिए रहते हैं। अच्छा? नहीं है, वो दूसरी दवाई नहीं है जो के क्या ये लोग कहते हैं जो चीज़ें बस वो चीज़ों को एनर्जाइज करते हैं, कुछ ऐसा एनर्जी उसमें एक्टिवेट करते हैं। ये तो आपने कोई गिफ्ट दे दिया आज हमारे शो के जरिए, न्यू ईयर का गिफ्ट हो गया ये तो लोगों को, बिल्कुल ऐसी चीज के आप उसको अप्लाई करें और 1 इंच फर्क आ जाए 40 मिनट्स, बिल्कुल ये समथिंग लाइक मैजिक। मैं बिल्कुल लोगों को बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि आ जाए और मैं करके दिखाऊंगा। तो दूसरी बात ये रिज कि योगा है हमारे पास, मैं एक योगा एक्सपर्ट हूँ, तो उससे भी वजन की कमी जो है ना आ सकते हैं, और फिर डी इंस्टेंट योगा जो कि बहुत अच्छी योगा है जो इंस्टेंट काम करते हैं और बहुत जल्दी यानी काम करते हैं, आपके वेट को कम करने की फौरी असर करता है वो चीज़। और दूसरी जो है ना दूसरा उसमें है कि हम थोड़ा सा लाइफ स्टाइल को चेंज करने का कहते हैं और डाइटिंग का बताते हैं थोड़ा बहुत, तो उससे ऑटोमेटिकली इंसान की वज़न नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, और बिलीव में वज़न कम करना कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं, बस लोगों को मुश्किल लगते हैं वो बहुत से चीज़ों को आजमा कर। इट्स ओनली अप टू हाउ यू टेक इट एक्चुअली, पता है ये बात भी होती है कि आपका जो पूरा योगा है जो आप बता रहे हैं या जो आपने वो क्रीम बताई, खैर वो तो एक मैजिक टाइप की चीज़ है, वो तो मुझे बहुत ज़्यादा एकदम से क्लिक की, बट ये थोड़ा थोड़ा सा अगर आप मील लें, सब कुछ खाएं कहते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा खाएं, स्मॉल पोर्शंस में खाएं, और साथ साथ योगा करें जो आप बता रहे हैं, समदा हीलिंग एनर्जी के जरिए, योगा के जरिए फिटनेस बहुत प्रॉपर तरीके से आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कोई जापानी भी कोई तरीका आता है हीलिंग का, क्योंकि मुझे यहाँ ईमेल मिली है एक जिसमें कुछ जापानीज कोई टेक्निक है, इसके बारे में पता किया हुआ है कि ये और उसमें क्या फ़र्क है, समदा हीलिंग में क्या फ़र्क है। जी जापानी एक तरीका इलाज है जो जिसे रिकी कहते हैं, रिकी है वो, अच्छा हाँ वो जापानी तरीका इलाज जो इसलिए उन्होंने लिखा होगा, तो ये रिकी जो है जापान से स्टार्ट हुई थी और मिकाव युसुई ने ये इसको दरियाफ़ की है, फिर उसके बाद जो है ना ये सिलसिला चला, तो इनके दोनों के फ़र्क काफ़ी फ़र्क है, तकरीबन इसमें बहुत सारा फ़र्क है जो कि पहले भी हम इसका जिक्र कर चुके हैं कि समदा और जो जापानी तरीका इलाज है उनमें काफ़ी फ़र्क है। समुदाय बहुत पावरफुल हीलिंग एनर्जी है, और ख़ुद मकसद की मास्टर कहते हैं जो जापानी तरीके इलाज के मास्टर्स है वो खुद ही कहते हैं कि समुदाय द मोस्ट पावरफुल हीलिंग एनर्जी इन द वर्ल्ड, तो ये पहले भी हमने जिक्र इस पर किए हैं।